आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज, मैं चंद्रभूषण पांडे। इस समय मैं प्रयाग और काशी के बीच में हूँ, जहाँ पे कांवरिया लोग जल भर के और वाराणसी के लिए जा रहे हैं। रास्ते में हम उनसे मिले हैं और देखे हैं काफ़ी लोग यहाँ पे चल रहे हैं कांवर लेकर, और हमारे साथ भी कुछ लोग हैं। आप लोग कब जल उठाए? सोमवार से। सोमवार मतलब आज ही सुबह? तो रास्ते में कैसी सुविधाएं? और मेट का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। लोग वहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं और लोगों के पैरों में छाले पड़ गए हैं, और रास्ते में कहीं इलाज के लिए और पानी दाना के लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं? पहला नंबर तो हम धन्यवाद देते हैं नेशनल न्यूज को, आप सबको जो इतना मदद कर रहे हैं। दूसरा नंबर बात यह है कि मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है, और चलने में पांव भी जल रहे हैं, इसलिए एक मैट की व्यवस्था होनी चाहिए, बारीक ही हो जाए बोलबम को पैदल यात्रा के लिए, पद यात्रा के लिए, तो ये बहुत मदद की बात होगी। क्योंकि नंगे पांव चलने बहुत ही कष्ट होता है, रास्ते में जो है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़ जाते हैं, तो पैरों से खून भी निकल आते हैं, परेशानी होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार से भाई हम लोगों की मदद करें, हमेशा के लिए एक लेन फ्री है, इसके लिए हम लोगों की मदद करें कि भाई मैट होनी चाहिए चलने के लिए, पांव दुखता है जलता है। भगवान भक्ति अच्छी बात है, भोलेनाथ भी प्रसन्न है, तो वातावरण और समय को देखते हुए मेडिकल की फैसिलिटी शायद आगे से है, और इधर नहीं, इधर जल का व्यवस्था अच्छा है, मोदी जी के सरकार में सब अच्छी बातें हैं, अच्छा है, भगवान ऐसे ही आपको विजय बनाते रहें। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आप ये बताइए कि और रास्ते में कोई तकलीफ आप लोगों को हुआ है क्या? नहीं, तकलीफ तो नहीं हुआ है, बाकी सब व्यवस्था है बराबर, वही है मेडिकल का और ये अपना मेट का ही प्रॉब्लम है। सरकार ने वन वे कर रखा है, इससे आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, वन वे है, फिर भी उसी में गाड़ी आता है, वो तो जो गली से निकल के आते हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन नियमित एक तरफ का बंद किया गया, एक तरफ से बंद हुआ है। मिश्रा जी, आप भी गए थे वहाँ, क्या कहते हैं, झारखंड जल चढ़ाने के लिए, आप वहाँ का पोजीशन आपको कैसा? देखिए, वहाँ का पोजीशन अगर हम तो पूछेंगे कि आपके क्या कहते हैं, यूपी से बहुत ही बेटर पोजीशन है, इसलिए कि मैंने सुल्तानगंज से क्या कहते हैं जल उठा के बाबा धाम के लिए गया, और बखूबी बाकायदे रास्ते में मैटिंग और क्या कहते हैं मिट्टी और बालू का और प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब कि चप्पे चप्पे पर प्रशासन की व्यवस्था, मतलब कि जो कि कांवड़ियों से पूछने वाले हैं कि भाई कैसा व्यवस्था है आप लोग, दिक्कत फल फूल पानी, लेकिन मैंने जो अपने आपको यहाँ जगह देखा कि कांवड़ी भाई जो बोल रहे हैं मानो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैंने जो देखा ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ पे नहीं है हमारे निगाह में। काशी प्रयाग के बीच में जैसा झारखंड में सुल्तानगंज से और देवघर के बीच में दिखाई दिया, ऐसा प्रयाग से काशी के बीच में नहीं दिखाई, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, सब हवा हवाई है हमारे निगाह में, सब हवा हवाई है। कहने के लिए मैं कर दूंगा भाई, हमारे कांवरियों भाइयों का पुष्प वर्षा मत करिए, लेकिन जमीन पर उनको मैटिंग करा दीजिए, पानी का छिड़काव करा दीजिए, मैंने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं देखा। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते हंडिया विधान क्या कहते हैं मंडल का हंडिया किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ, इसलिए मुझको दुख हुआ कि कांवरियों भाई में कोई व्यवस्था नहीं है। आपके नज़रों में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि व्यवस्था सही है। जैसा सर पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, उसके हिसाब से कुछ भी हुआ तो हम लोग को थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हो रहा है कुछ। अब व्यवस्था पहले से अब ठीक है? ठीक है, पहले से कुछ ठीक है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, नहीं जितना होना चाहिए। मिश्रा जी, तब आप जब खुद उसमें हैं सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, तो आप उसको सुधारवाइए ना। नहीं, इसीलिए हम क्या कहते हैं आपके माध्यम से मैं इस आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ योगी आदित्यनाथ के पास तक जावे कि कम से कम क्या कहते हैं प्रयाग रास्ते वाराणसी तक कुछ न किया, सिर्फ मैटिंग की व्यवस्था एक साइड में करा दिया जाए, न कि वन वे से कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन लगभग पाँव देखिए आप, सबका पाँव टेढ़ हो चुका है चलने। यहाँ पे कांवरिया लोग जो जा रहे हैं उनके पैर में सही में छाले पड़ गए हैं, और तकलीफ हो रहा है, और धूप इतना तेज हो रहा है कि रोड बहुत तेज जल रहा है। अगर मिश्रा जी कोई बात कह रहे हैं और ये लोग भी कोई बात कह रहे हैं, सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, कम से कम एक माह जो सावन का माह है, एक माह तक लोग यहाँ कांवरिया प्रयाग से काशी तक जाते हैं और उनको तकलीफ होता है, तो देखिए दवा भी साथ में ले रखे हैं, दवा भी साथ में रख रहे हैं, तो सरकार से
जो ये लोग निवेदन कर रहे हैं सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ अगर कांवरियों को तकलीफ नहीं होगा, एक महीने तक उनको चलना है, ये कांवरिया जाएंगे दूसरे कांवरिया जल उठाएंगे, तो अगर मैटिंग होता है तो सबसे अच्छा रहेगा। इसी के साथ कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, प्रयागराज।